Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आदित्य वर्मा तमिल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आदित्य वर्मा मूवी ने तमिलनाडु में भी अच्छा परफॉर्म किया, साथ ही साथ ये मूवी चेन्नई सिटी में भी धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आदित्य वर्मा मूवी के बारे में बात करूं तो इसमें ध्रुव और बनीता संधू मेन लीडिंग रोल में थी। सीधे कलेक्शन की तरफ ले चलता हूं। बात करूं अगर आदित्य वर्मा मूवी की तो 22 नवंबर को मूवी को रिलीज किया गया था लगभग 300 स्क्रीन्स पे, वो भी तमिलनाडु में। स्टार कास्ट की बात करूं तो इसमें ध्रुव और बनीता संधू मेन लीडिंग रोल में थे। मूवी ने अपने 6th डे में लगभग 13 लाख का कलेक्शन किया है चेन्नई सिटी में। टोटल कलेक्शन हो चुका है 1,46,00,000, यानी कि 1,46,00,000। वहीं अगर 7th डे की बात करूं, यानी कि आज के दिन की, तो आज के दिन की रिपोर्ट्स भी मूवी की काफ़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं अगर मूवी 10 लाख के आसपास का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 1,56,00,000 के आसपास, वो भी सिर्फ और सिर्फ चेन्नई सिटी में। मैं आपको बता दूं, ध्रुव एक न्यू स्टार है और इतना कलेक्शन करना किसी भी न्यू स्टार के लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं बात करोगे तमिलनाडु की तो मूवी ने तमिलनाडु में भी लगभग 10,50,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या कहना है आदित्य वर्मा मूवी के बारे में, इसके कलेक्शन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अभी तक मूवी को सुपरहिट का वर्डिक्ट मिला है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।